दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग में मंगलवार को 7 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ विज्ञान संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी, रसायन विज्ञान विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर सुधा यादव एवं समन्वयक प्रोफेसर उमेश नाथ त्रिपाठी द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के साथ किया गया। 7 दिवसीय कार्यशाला में एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी इन केमिकल साइंसेज विषय पर ऑनलाइन और ऑफलाइन संगोष्ठी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों ने अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर शांतनु रस्तोगी ने कहा कि इस तरह के आयोजन में देश व विदेश के अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञानियों को आमंत्रित करने से छात्रों व शोधार्थियों के लिए लाभ मिलेगा। इस संबंध में रसायन विज्ञान विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर सुधा यादव ने बताया कि 7 दिवसीय कार्यशाला में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और प्रोफेसर ऑनलाइन शामिल हो रहे हैं। 7 दिवसीय कार्यशाला में MSc और PhD करने वाले छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सुधा यादव ने कहा, प्रोफेसर सुधा यादव अध्यक्ष रसायन विज्ञान विभाग, अपने विभाग में 7 दिवसीय वर्कशॉप के लिए कार्यशाला के संबंध में आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ। ये कार्यशाला हमारे प्रेरणा स्रोत वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेश सिंह की संकल्पना थी कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके लिए रिसेंट क्या एडवांसेस रिसर्च फील्ड में चल रहे हैं या उसकी मेथोडोलॉजी में चल रहे हैं उसके बारे में बताया जाए। इस तारतम्य में हमने करीब 12 जो है नेशनल और इंटरनेशनल वैज्ञानिकों को अपने इस वर्कशॉप से जोड़ा है, जो कि इन 7 दिनों में 2 सत्रों में बच्चों को जो है केमिकल साइंसेज में क्या एडवांसेस चल रहे हैं, क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की जा रही है और इस पैंडमिक एरा में किस तरह से केमिकल साइंस जो है इस समाज के लिए देश के लिए बहुत ही जो है कल्याणकारी हो सकती है। और इस 7 दिवसीय कार्यशाला में बच्चे निरंतर जुड़े रहेंगे, दोनों सत्रों में 1.5-1.5 घंटे के 2 सत्र होंगे, उसके साथ साथ उनका जो है वर्कशॉप का क्वेश्चनेयर भी बनेगा जिससे कि उनके जो है किस स्तर तक उन्होंने जो ज्ञान उनको दिया गया है या जो उनको प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से ये वर्कशॉप इंटरैक्टिव भी होगी और बच्चे जो है अपने फील्ड के जो पुरोधा लोग वैज्ञानिक हैं उनसे उनका एक्सपोजर भी होगा। जैसे कि अभी सबसे
परसेंट DRDO से डॉक्टर अनिल मिश्रा हम लोग के साथ जो साइंटिस्ट जी हैं जुड़ेंगे। वो एक्चुअली जिन्होंने कि अभी रिसेंटली एड्स, ये जो हमारी जो है महामारी चल रही है COVID-19, उसके लिए एक जो है इंडिजिनस, मतलब भारत में ही तैयार की गई जो है दवा के बारे में उन्होंने काफ़ी जो है अच्छा शोध किया है। तो इससे जो है, और वो ऐसा बाई चांस है कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी के ही MSc हैं, तो इस तरह से बच्चों को बहुत ही प्रेरणा भी मिलेगी कि किस तरह से यहीं से पढ़कर हमारे इतने जो है देश के ख्यातिलब्ध वैज्ञानिक हैं। और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जापान की क्योशो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हमारे साथ प्रोफेसर श्याम सुधीर पांडे जुड़ रहे हैं। उन्होंने भी इसी विश्वविद्यालय से अपना जो है स्नातक परास्नातक की उपाधि प्राप्त की है, और वो जापान में बहुत अच्छा काम जो है सोलर सेल्स पे कर रहे हैं, जो कि आज हम लोग को मालूम है कि किस तरह से दुनिया में जो है जो हमारे ईंधन के सोर्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और उस कंडीशन में किस तरह से हम सोलर सेल्स को जो है केमिकल टेक्नोलॉजी और रिसर्च मेथडोलॉजी से जोड़ सकते हैं। ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि हमारे जो है जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं और जो परास्नातक स्टूडेंट हैं उनके लिए एक प्रेरणा भी होगी और कुछ नया सीखने का जो है उनको बहुत बढ़िया मौका मिलेगा। और इसके लिए हम लोग एक बार पुनः जो है अपने उन सभी जो विशिष्ट वक्ता हैं उनके प्रति जो है धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और अपने वाइस चांसलर सर की जो प्रेरणा मिली है इसके लिए उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद।